अभिदली की मैंने सुबह वीडियो देखी, आप हमें बताएं, आप हमें कॉल दें, हम बैनर्स के साथ प्ले कार्ड के साथ वहां पर आएंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएंगे कि यहां पर जो है सुहेब चौधरी को फौरन जो है रिहा किया जाए। तो मुझ पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए कि मैं लोगों को डॉलर दे रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। भाई मैंने कैमरा मैन नहीं एक रखा हुआ था कि भाई मैं वो पैसे बचाऊंगी तो मेरे घर के सर्कल चलाने के लिए काम आएंगे। पहली दफा नहीं हुआ है इस तरह के इल्जाम हर महीने हमें फेस करने को मिलते हैं किसी भी ऐरे गहरे यूट्यूबर की तरफ से, किसी भी ऐरे गहरे सहाफी की तरफ से जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है। जो है आपको पता है अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अक्सर बीच में लड़ते रहते हैं खुद को फेमस करने के लिए, ये इनकी पुरानी आदत है। ये बोलते हैं हमें गाली ना दो लेकिन हमें फेमस कर दो, हमें सेलिब्रिटी बना दो यूट्यूब के अंदर, पैसे कमाने, क्योंकि भाई डॉलर इतना ऊपर है पाकिस्तान के अंदर, काम धंधा है नहीं। मेंटली तौर पर बीमार जो है वो तो मैं थी ही थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने देखा फिजिकली तौर पर मैं बहुत ज्यादा अनफिट हो गई और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने शुरू कर दी। पाकिस्तानी यूट्यूबर में जेलसी बहुत ज्यादा, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ वो देख नहीं पाते, और यही सारा सिलसिला अभी जो रिसेंटली हुआ है ये उसी का एक आप समझे कि है रिजल्ट है, और ये सारा एक खिचड़ी सी पकी हुई है और खिचड़ी के पीछे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जब से शोएब चौधरी को और उनकी टीम को पाकिस्तान पुलिस ले गई है उसके बाद से बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इस पर बात की है। शोएब चौधरी के गैर मौजूदगी में आबिद अली ने एक वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल पर अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने शोएब चौधरी को कहां रखा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। साथ ही आबिद अली ने बताया कि उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि हम शोएब चौधरी को कहीं खो ना दे। इसमें कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने शोएब चौधरी को अपना सपोर्ट दिखाया है। सना अमजद, निमरा अहमद, मुजम्मिल कुरैशी, शैला खान ने वीडियो बनाकर इस पर आवाज उठाई है। तो परफेक्ट रिएक्शन चैनल के मुजफ्फर जी ने कहा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, सबके सब एक दूसरे से जलते हैं। ये सारे यूट्यूबर्स इंडिया के साथ दोस्ती की बात तो करते हैं लेकिन आपस में ये एक दूसरे के दुश्मन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शोएब चौधरी को पुलिस ले जाने के बाद बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर का इस पर क्या कहना है। अभी तक रिबाहा जो है वो इसी जो फेस से बाहर नहीं निकल सकी और वो मार्केट में जाकर कोई भी इस तरह पब्लिक रिएक्शन शो नहीं कर पा रही। वजह सिर्फ ये है कि उस वक्त उसका चैनल जो है वो ग्रो कर रहा था और वो सारी चीजें सना अमजद को नहीं पसंद थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके मुकाबले में कोई और पाकिस्तानी यूट्यूबर ऊपर आए और उसके व्यूअरशिप को खतरा हो। तो ये सारी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चीजें हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा के जो है वो शोएब चौधरी आए, उसके बाद में शोएब चौधरी ने बहुत ज्यादा नो डाउट के उन्होंने व्यूअरशिप गेन की। अब इनके मसाइल भी मुजम्मल के साथ इनके मसाइल शुरू हो गए क्योंकि ये शोएब चौधरी पहले मुजम्मल से ही इन्होंने काम सीखा, मुजम्मल के साथ ही ये रहे थे, तो इस वजह से फिर मुजम्मल को भी लगा कि यार एक जो नया लड़का मुझसे ही सीख है मुझसे आगे कैसे जा सकता है। तो ये सारी चीजें फिर एक जेलसी थोड़ी सी फील होती है, तो वही जेलसी के सिलसिले में इनकी भी आपस में गड़मड़ हुई, इन्होंने भी बातें की एक दूसरे के खिलाफ। शायला खां फिर आ गई, शायला खां की वजह से फिर ये शोएब चौधरी और शायला खां की आपस में हो गई। तो ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर में जेलसी बहुत ज्यादा, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ वो देख नहीं पाते, और यही सारा सिलसिला अभी जो रिसेंटली हुआ है ये उसी का एक आप समझे कि है रिजल्ट है कि जो है वो शोएब चौधरी भी नहीं चाहता कि शायला खान आगे बढ़े, शायला खान नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े, और ये सारा एक खिचड़ी सी पकी हुई है और खिचड़ी के पीछे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है, और मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई है। और बाकी जो बात आपने की कि अरेस्ट किया गया, तो देखें कहीं भी कोई मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान के अंदर 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस को कॉल किया जाता है कि ये इस तरह प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। तो वो उसी सिलसिले में जब हमजा ने कॉल की तो उसको दोनों को लेके जाया गया, वहां पर गए, उनकी प्रॉब्लम को सुना गया, और सीधी सी बात है गवर्नमेंट को भाई डॉलर आ रहे हैं, हमें जो डॉलर आ रहे हैं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही आ रहे हैं, उससे क्या जरूरत पड़ी है कि वो चलता चलाया एक पाकिस्तान की इकोनॉमी। पहले देखें ये बातें खुली हैं, ये बातें मैं खुली और साफ कर रहा हूं, इससे किसी को तकलीफ पहुंचती है किसी को दुख पहुंचता है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूं, लेकिन ये इसमें एक बात भी ना तो झूठी होगी ना ही
ये ऐसी अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें हैं। तो इससे अब देखें, ये सारे मामलों को आप देखें कि उसके बाद में ये थाने गए, थाने में इनकी बात सुन के इनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद में रात को इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो बनाई गई है, एडिट की गई है। वो पाकिस्तानी जो है, आपको पता है अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अक्सर बीच में लड़ते रहते हैं खुद को फेमस करने के लिए, ये इनकी पुरानी आदत है। ये बोलते हैं हमें गालियां दो लेकिन हमें फेमस कर दो, हमें सेलिब्रिटी बना दो यूट्यूब के अंदर, पैसे कमाने, क्योंकि भाई डॉलर इतना ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर काम धंधा है नहीं। अब लोग जो है वो बोल रहे हैं यार ये शुएब अख्तर जो है, ये जो इसकी इसको पुलिस ने पकड़ा है यार, इसका साथ दो इसका। देखें भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, साफ सुथरी मेरे दिल की बात क्या है, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर्स आए जो स्टार्टिंग में हिंदुस्तान को गालियां देते थे, जब उनको पता चला कि दुकान ही नहीं चल रही हमारी तो लोग आके सिर्फ कमेंट में गाली दे के निकल जाते हैं, वीडियो तो देखते ही नहीं है, तो कैसा होगा वो। उन्होंने अपना कॉन्टेंट चेंज करके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। देखो भाई, मैं आपको साफ बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सच बात बोलनी है, अगर आपने हकीकत बोलनी है, पड़ोसियों का साथ देना है, तो आप अपने इदारों को पकड़ो, आप अपने पुलिस को पकड़ो, अपनी आर्मी को पकड़ो, आईएसआई को पकड़ो, आईएमआई को पकड़ो, अपनी सरकार को बुरा बोलो। आवाम ने क्या किया है, पाकिस्तान की आवाम ने क्या किया है? पाकिस्तान की आवाम बेचारी तो गरीब आवाम है, बिना गाली के बजाय कुछ कर भी नहीं सकते वो लोग। ये मानता हूं मैं कि पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं हर जगह पर, हर कमेंट में, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं, उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर करना है तो अपनी आईएसआई के खिलाफ बोलो। एक भी वीडियो मुझे बताओ पाकिस्तान का एक भी यूट्यूबर जो लाडला हो, आप लोगों के आंखों का तारा हो, एक भी आप मेरे को यूट्यूबर बता दो जिसने पाकिस्तान के आईएसआई के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली बोला हो कि तुम हरामखोर हो, तुम दहशतगर्द हो। भाई पड़ोसी देश के अंदर ये जो दहशतगर्दियां करवा रही है, ये कौन करवा रहा है? ये आम आवाम करवा रही है या फिर वहां की सेना करवा रही है? भाई सेना करवा रही है। और मेरी पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर्स से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही ये अपील है कि आप सब भी इस पर आवाज उठाइए, क्योंकि यही टाइम है जब हम यूनिटी दिखा सकते हैं। पहले रिबाहा पर अटैक किया था, बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं सुहेब चौधरी पर कि आप इंडिया के एजेंट हैं, आपको इंडिया से फंडिंग आती है, आप इंडिया की तारीफ करते हैं, आप स्क्रिप्ट प्रोग्राम करते हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। इस तरह के इल्जामात हर महीने हमें फेस करने को मिलते हैं किसी भी ऐरे गहरे यूट्यूबर की तरफ से, किसी भी ऐरे गहरे सहाफी की तरफ से, जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है, जिनको फैक्ट्स का नहीं पता होता है, और वो आकर हम पर चढ़ाई कर देते हैं, अपने सवालों का पिटारा लेकर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे मुंह पर माइक रख देते हैं, कैमरा ऑन कर देते हैं, बेबुनियाद हम पर इल्जाम लगा सकते हैं। और इसी चीज का शिकार अब सुहेब चौधरी को बनाया गया था, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लड़ाई को, ग्रजिस को साइड पर रखते हुए सुहेब चौधरी को सल्यूट करना चाहूंगी, उनकी करेज की दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत धड़ल्ले से जवाब दिए हैं, अपने पॉइंट्स को रखा है और बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब भी किया है। अगर आप हमें बोलते हो कि हम पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपका मेनस्ट्रीम मीडिया तो ये चीख चीख कर बोलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे गिर गई है, पाकिस्तान तरक्की में सबसे पीछे आ गया, क्या तब पाकिस्तान का इमेज नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं होता है? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, जिस तरह से शोएब चौधरी को जिस अली हमजा नामक यूट्यूबर ने गद्दार साबित करने की कोशिश की, इसी अली हमजा ने कुछ साल पहले रिबाहा इमरान को भी निशाना बनाया था। रिबाहा इमरान ने लाइव आकर बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। उस वाकये के बाद वो 3 महीने तक डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने इस बारे में डिटेल में बात की है, आप उनके चैनल पर जाकर ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही शोएब चौधरी को पुलिस ले गई, उसके बाद से सना अमजद, निमरा अहमद, शैला खान ने इस पर वीडियो बनाकर शोएब चौधरी को अपना सपोर्ट दिखाया है। अपने पठान भाई को भी सुना, इस पर पठान भाई का कहना है कि सब व्यूज के लिए ड्रामा चल रहा है। सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी आम लोगों से सवाल पूछने के बजाय पाकिस्तान को चलाने वालों से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जब तक पाकिस्तानी आम पब्लिक समझदार नहीं होगी, आम लोगों को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उनके साथ 75 सालों से क्या खेल खेला जा रहा है, तब तक वो पाकिस्तानी आधारों से सवाल नहीं पूछेंगे। इसमें सबसे समझदारी वाली बात की है परफेक्ट रिएक्शन के मुजफ्फर जी ने,
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। रिबा इमरान को भी इसी वजह से निशाना बनाया गया था क्योंकि उनका चैनल उस वक्त अच्छा खासा चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में शोएब चौधरी और शैला खान के बीच भी विवाद चल रहा था और अभी जो शोएब चौधरी पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जो अटैक हुआ है, इस पर शोएब चौधरी का कहना है कि इसके पीछे सना अमजद का भी हाथ है। सना अमजद अली हमजा के साथ मिली हुई है। इंडिया पाकिस्तान पर वीडियोस बनाने वाले ये सारे यूट्यूबर्स इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, इंडिया के साथ ये दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन एक ही देश में रहने वाले इन यूट्यूबर्स के आपस में रिश्ते खराब है। इनको चाहिए कि आपस में सब मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अगर ये ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि ये व्यूअर्स का भी ट्रस्ट खो दे और अली हमजा जैसे लोग बारी बारी ने अपना निशाना बनाए। जैसा कि मुजफ्फर जी ने बताया कि शोएब चौधरी को कुछ सवाल पूछकर छोड़ दिया जाएगा और फिर शोएब चौधरी उनके चैनल के वीडियोस में नजर आएंगे। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।